दोस्तों आप भी रोहित शर्मा और केएल राहुल को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जल्दी भारत और श्रीलंका के बीच बड़ी रोमांचक T20 सीरीज शुरू होने वाली है, लेकिन शुरू होने से पहले श्रीलंकाई टीम के पूर्व तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने भारतीय टीम को लेकर एक जबरदस्त बयान दिया है, तो चलिए बताते हैं आपको इनके इस बयान के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और श्रीलंका के बीच में कौन बेहतरीन T20 टीम है? दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज खत्म हुई है। इसमें भारतीय टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से श्रीलंकाई टीम को हराकर श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों में बेहद ही शानदार प्रदर्शन करके पहली सीरीज को अपने नाम कर लिया था और भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा था कि तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम श्रीलंका को जबरदस्त हार देकर मेजबान टीम को व्हाइट वॉश कर देगी। लेकिन फिर श्रीलंका टीम के तीसरे मुकाबले में बड़ी जबरदस्त वापसी करके भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी और इस तीसरे मुकाबले को अपने नाम किया। दोस्तों बता दें श्रीलंका टीम ने इस तीसरे मुकाबले में बड़ी जबरदस्त वापसी करी जिसकी वजह से उन्होंने ये मैच जीत लिया, लेकिन उनकी ये वापसी होते होते बेहद ही देर हो चुकी थी क्योंकि सीरीज को तो भारतीय टीम ने पहले ही अपने नाम कर लिया था। लेकिन बहरहाल श्रीलंकाई खिलाड़ी और कोच से पूछा गया तो वो टीम के आखिरी मुकाबले में प्रदर्शन को लेकर बेहद खुश है क्योंकि उन्हें अब पूरा विश्वास है कि टीम जिस तरीके की वापसी तीसरे मुकाबले में की है इसी तरह का प्रदर्शन श्रीलंकाई टीम T20 मुकाबले में भी करेगी, भारतीय टीम को हराने में पूरी तरह से अपना जोर लगा देगी। लेकिन दोस्तों इसी बीच श्रीलंकाई टीम के पूर्व कप्तान लसित मलिंगा ने जिन्होंने रविवार 25 जुलाई से शुरू होने वाले T20 सीरीज को लेकर दोनों ही टीमों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बता दें लसित मलिंगा ने अपने बयान में कहा कि इस भारत की युवा टीम में बेशक वनडे मुकाबले खेलने का एक्सपीरियंस ना हो लेकिन भारतीय टीम के हर एक खिलाड़ी के पास IPL जैसी सबसे मुश्किल T20 लीग में खेलने का भरपूर एक्सपीरियंस है और उनके इस एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें ऐसा लगता है कि इस T20 सीरीज मैच भारत के युवा खिलाड़ी श्रीलंकाई टीम पर काफी ज्यादा भारी पड़ते नजर आ सकते हैं। इन खिलाड़ियों का T20 फॉर्मेट में बड़ा ही कड़ा अभ्यास रहा है और भारत के हर एक खिलाड़ी को कड़ी की कड़ी सिचुएशन से अपनी टीम को निकालकर जीत हासिल कराने में महारत हासिल है। उन्होंने इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन IPL में देखा हुआ है और वो इनमें कई खिलाड़ियों के साथ कई बार खेले भी हुए हैं। भारत के युवा खिलाड़ियों में अपने शानदार प्रदर्शन को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम को हराने का दमखम है। अब देखना ये रहता है कि क्या भारतीय टीम श्रीलंकाई टीम को हराने में कामयाब रहती है या नहीं, क्योंकि श्रीलंकाई टीम ने तीसरे वनडे मुकाबले में बड़ा जबरदस्त वापसी करके भारतीय टीम को धूल चटा दी थी। तो अब इन दोनों के बीच T20 मुकाबला देखना बड़ा ही रोमांचक होगा। दोनों टीमों के बीच बड़ी ही कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत की युवा टीम श्रीलंकाई टीम को T20 सीरीज में जबरदस्त शिक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है या नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।